बचपन से ही हम सभी ने सुना है कि यदि सर्दी जुकाम या शरीर पर कोई चोट लग जाए तो हल्दी के दूध का सेवन करना चाहिए। इस समय के मुकाबले पुराने समय के लोग इस इलाज को किसी रामबाण से कम नहीं मानते थे। साथ ही हल्दी के दूध का सेवन इम्यून सिस्टम के लिए बूस्टर भी माना जाता है। कुछ लोगों की आदत भी होती है कि वह सोने से पहले गर्म हल्दी वाला दूध पीना पसंद करते हैं। पिछले साल से कोरोना ने हमारे देश को झकझोर कर रख दिया। दुखदायक बात तो यह है कि इस बीच सभी ने किसी अपने को इस बीमारी के संक्रमण के चलते खो दिया। देश में एक खौफ का माहौल था, जिस कारण देश में दो बार लॉकडाउन भी लगाया गया, जिससे लोगों की जान जाने का खतरा टल सके। ऐसे में पिछले साल से ही सभी ने अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए काढ़ा, दवाइयां एवं हल्दी के दूध का सेवन करना शुरू कर दिया। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। हल्दी का दूध पीना लाभदायक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए हल्दी के दूध का सेवन हो सकता है हानिकारक? अगर नहीं तो हमारा यह वीडियो पूरा जरूर देखिए। दरअसल लोग अक्सर इस दूध को तब लेते हैं जब उन्हें सर्दी जुकाम या फिर शरीर पर कोई चोट लग जाए, क्योंकि इस समय पर हल्दी वाला दूध मरीजों को दिया जाता है जो कि उनके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन सबसे पहले बात करें उन लोगों की जो लीवर की समस्या से परेशान है। ऐसे में इन लोगों को हल्दी वाला दूध पीने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दूध आपके लीवर की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जी है, वो भी किसी गर्म चीज या गर्म मसाले वाले खाने से, ऐसे लोगों को भी हल्दी के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दूध आपकी एलर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसके कारण आपको अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप हल्दी के दूध का सेवन या तो ना करें या फिर संयमित रूप से करें, क्योंकि हल्दी आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम कर देता है, जिससे आपके स्पर्म की सक्रियता भी कम हो जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।